राजधानी रायपुर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक चलेगी। श्रीमद् भागवत कथा का यह लगातार 5वां वर्ष है। कथा के प्रथम दिन कलश यात्रा का आयोजन किया गया, साथ ही साथ दूसरे दिन प्रहलाद चरित्र के बारे में भक्तों को बताया जाएगा। ऐसे ही लगातार 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता रहेगा। हमारे मंदिर में 5वां साल है और 7 दिन का कार्यक्रम है ये तो भागवत कथा। आज कलश यात्रा सुबह लगभग 2-2.5 बजे से शुरू हुआ, क्योंकि वो भागवत के पहले शुरू में कलश यात्रा ही होती है। तो जगन्नाथ मंदिर से हम लोग कलश लेकर आते हैं और यहाँ मंदिर में स्थापना करके 7 दिन तक भागवत कथा शुरू चलते रहती है। और पंडित जी की शुरुआत इसी मंदिर में भागवत कथा से शुरू हुई है और ये 5वां साल है। वैसे उनका 17वां ये कथा है अभी तक का। और क्या धार्मिक महत्व है श्रीमद् भागवत कथा की? तो मेरे को लगता है शायद सभी को मालूम होगा कि ये तो सबको जन कल्याण के लिए और लोगों को पुण्य मतलब तारने की कथा है। जैसा कि परीक्षित जी को कहा मौत होने वाली थी तो उनको सुनाया गया था शंकर जी, है ना, तो इसलिए कथा कराई जाती। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो है 2016 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें अग्रवाल जी और मैं प्रथम यजमान रहे हैं। पंडित जी को प्रोत्साहन करने के लिए गायत्री नगर वाले पिंक सिटी वाले बहुत ही प्रोव किए कि भाई आपका वाणी में जो है शक्ति बहुत है, लिहाजा उनको जो है प्रवचन करना चाहिए, छोटी मोटी पूजा को छोड़ के भगवत कथा में आप आगे बढ़ेंगे तो आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा, हमारे मोहल्ले के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी आयोजन के लिए भवन वगैरह का निर्माण भी गायत्री नगर वालों की तरफ से, पिंक सिटी वालों की तरफ से, नगर वासियों की तरफ से किया गया। और ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है ये 5 साल से लगातार चल रहा है और हम सोचते हैं कि ये इन्होंने जो है पंडित जी ने ये कहा है कि हम 21 भागवत जो है बिना किसी ये पैसे के आयोजन करेंगे और ये 5वां साल है और ये 17वां उनका वो ये है प्रवचन का। तो हम ये चाहते हैं कि पंडित जी इसी तरीके से करते रहें और हम लोगों को जो है प्रवचन देकर हमें उपदेश देते रहें ताकि हम लोग जो है धर्मग्रंथ के तरफ अपना ध्यान लगा सकें।